आप देख रहे हैं माय काइंड ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर हम रेस्टोरेंट से सीक्रेट रेसिपीज आपके घर तक पहुंचाते हैं ताकि वही सीक्रेट रेसिपी आप अपने किचन में ट्राई करें। आज हम ले चलेंगे आपको पुणे। पुणे से ये रेसिपी आपके किचन में आ रही है। राज ग्रिल की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके जो ओनर है अश्विन, ये पहले गराज चलाया करते थे और शाम को कुछ देर के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए रेस्टोरेंट खोली द गराज ग्रिल। लेकिन इतना रिस्पांस अच्छा मिला कि अब फुल टाइम इनकी रेस्टोरेंट चल रही है द गराज ग्रिल इन पुणे। मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत आसानी से आप बना पाएंगे ये हनी चिकन विंग्स। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जरूर ट्राई करें। 6 पीस ऑफ चिकन विंग्स आपको डिप करना है बैटर में। ये बैटर बहुत ही आसानी से बनाया गया है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया गया है, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 TSP एरोमैट पाउडर या टेस्टिंग पाउडर आप डालिए, आधा कप पानी और ये बैटर रेडी हो जाता है। डीप फ्राई द विंग्स अंटिल गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, मेहमानों को परोस सकते हैं। लेकिन अगर इसे रेगुलर विंग को हनी गार्लिक चिकन विंग बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑयल लिया है, लीजिए ऑयल डाइट अनुसार। उसके बाद डालना है आपको अ पिंच ऑफ वाइट तेल या सेसमी सीड्स डाल दीजिए, 1 TSP चॉप्ड गार्लिक और आधा TSP चॉप्ड जिंजर अदरक और मिर्ची डालिएगा स्पाइस अनुसार। अब इसे रोस्ट करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते हैं और इस वीडियो को शेयर करना है जब तक ये वायरल नहीं हो जाता है। जी हाँ, अपना प्यार दीजिए, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए, दिल से थैंक यू हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए अब बहुत ज़्यादा सेल्स पिच के बाद डालते हैं इसमें अनियन एंड कैप्सिकम, ओनली खुशी एंड नो गम। एक टेबलस्पून अब डाला जा रहा है रेड चिली पेस्ट, स्पाइस भी आ जाएगा इसमें। और फिर डाला जा रहा है रेड चिली सॉस एंड सोया सॉस। सॉस की जो मात्रा है यह आप अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और स्पाइस ऐड करने के लिए इसमें डाला जा रहा है शेजवान सॉस। शेजवान सॉस की पूरी रेसिपी हमारे चैनल पर है, जरूर देखिएगा। अब डाला जा रहा है चिकन स्टॉक वाटर, या फिर आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं, या फिर जिस वाटर में आपने चिकन उबाला है वो यूज करिए। खटास के लिए इसमें डाला जा रहा है विनेगर, हल्का सा विनेगर डालिएगा और फिर इस ब्रॉथ को अच्छी तरीके से उबालिएगा। अब बारी है सीजनिंग की। सॉल्ट डाला जा रहा है, एरोमैट पाउडर या फिर कोई भी टेस्टिंग पाउडर आप ले सकते हैं, वाइट पेपर के बिना तो देसी चाइनीज अधूरा है। और शुगर भी डाली गई है। अब इस ग्रेवी को थिक करने के लिए इसमें डाला जा रहा है कॉर्नफ्लावर। सीधा कॉर्नफ्लावर मत डालिएगा वरना गट्टे पड़ जाएंगे, ठंडे पानी में मिक्स करके फिर डाला जाता है कॉर्नफ्लावर। और ये अब गाढ़ा हो गया है। अच्छे तरीके से इसे कुक करने के बाद ये हमारी ग्रेवी रेडी होगी और इसमें अब डाले जा रहे हैं वही 6 पीस फ्राइड चिकन विंग्स जो हमने पहले फ्राई किया था। एंड फाइनल टचेस में इसमें डाला जा रहा है शहद। आई हाई शुगर स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस आ गया है। 1 टेबलस्पून हनी डालना है और फिर इसे
अच्छे तरीके से आपको टॉस करना है। टॉस करिए, मिक्स करिए और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए और वाह वाह ही बटोरिए।